हाथ से ही शायद आंखों को निकालने का भी प्रयास किया गया था और काफी शरीर में चोट भी आई थी। वो शाम को कोई एक लड़का ले गया था बुला के, और बाद में अगले दिन जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी। एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और जिसका नाम है अजय महतो, पिता स्वर्गीय वकील महतो, ये बड़ा बसंतपुर का रहने वाला है। और इस घटना में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है अनुसंधान में कि एक ही मुख्य अभियुक्त शामिल था, हालांकि हम लोग अन्य बिंदुओं का भी जाँच कर रहे हैं। कहते हैं कि चाहे सातिर कितना भी, अपराधी कितना भी सातिर हो, वो बच नहीं सकता। जी हाँ, 10 जनवरी को एक घटना घटी थी जहाँ महज 500 रुपये के लिए एक मजदूर को बहुत बुरी तरह से क्रूरतापूर्वक हत्या कर दिया गया था। बात भोजपुर जिले के बड़ा बसंतपुर की है, जहाँ 500 रुपये की मजदूरी को लेकर के वहीं के निवासी मोहन सिंह की लड़ाई अपने दोस्तों के साथ थी। दोस्त बार बार पैसे की डिमांड कर रहे थे और क्या मामला था वास्तविकता में, अभी इसकी जांच हो नहीं पाई है। तो उसमें वो पैसा लेन देन को लेकर के लड़ाई चल रही थी, उसी में उसी गांव के और कुछ उनके दोस्त भी उनको घर से बुलाए और बुला करके बहुत ही क्रूरतापूर्वक उनकी आंखें फोड़ ली। जैसे कि भोजपुर SP जो हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आंखों को हाथ से भी निकालने का प्रयास किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि अपराधी इतने सातिर थे, वो समझ रहे थे कि हम बच जाएंगे, लेकिन भोजपुर और SP प्रमोद कुमार की तारीफ है जितनी भी की जाए बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जिस क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी उसकी पूरी एक टीम में निगरानी कर रही थी और टीम की मदद से ही उसको पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। मुफस्सिल थाना में 10 तारीख को जो है वादी विनोद सिंह के द्वारा एक आवेदन दिया गया और बताया गया कि इनका भतीजा मोहन सिंह, जो बड़ा बसंतपुर का रहने वाला है, वो शाम को कोई एक लड़का ले गया था बुला के, और बाद में अगले दिन जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी और जिसमें हाथ से ही शायद आंखों को निकालने का भी प्रयास किया गया था और काफ़ी शरीर में चोट भी आई थी। तो जैसे ही ये घटना का संज्ञान में आया, जिसकी टीम गठित की गई और जो भी लोग संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ संकलन किया गया, और उसके आधार पे जो है एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और जिसका नाम है अजय महतो, पिता स्वर्गीय वकील महतो, ये बड़ा बसंतपुर का रहने वाला है। तो इसकी गिरफ्तारी की गई तो हम लोगों को आरंभ में 3-4 नाम इसमें FIR में पड़े हुए थे और बताया गया था, आरोप लगाया गया था सभी ने मिल के मारा है। लेकिन जब इसमें अनुसंधान हम लोग आगे किए और जो साक्ष्य संकलन किए और इसने स्वयं कन्फेस किया और कन्फेस करके अपना जो कपड़ा वगैरह भी, जो खून से लगा हुआ टी शर्ट वगैरह भी था वो भी बरामद करवाया, तो इसने बताया कि पूर्व में जो है वो मजदूरी को लेकर जो है 500 रुपये का विवाद था और काफ़ी दिन से होता रहा था, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पा रहा था। उसी के आलोक में जो है फिर ये शाम को जो है बुला के ले जाता है और साथ में बैठ के जो है ये लोग पीते खाते हैं, और जब नशे की हालत में हो जाता है मोहन, तो उसके बाद जो ये लड़का उनसे आँख वगैरह पे वार करता है, आँख निकालने की कोशिश करता है और इस प्रकार जो है यह जो है मोहन की हत्या कर देता है। तो इस घटना में जो संलिप्त टी शर्ट थी जो है खून से लगी, उसको बरामद कर लिया गया है। और इस घटना में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है अनुसंधान में कि एक ही मुख्य अभियुक्त शामिल था, हालांकि हम लोग अन्य बिंदुओं का भी जांच कर रहे हैं और 1-2 दिन लगेगा, अन्य भी हम लोग फाइनल हो जाएंगे कि इसमें एक ही लोग थे या और इस तरीके से मुख्य अभियुक्त गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहा जाता है कि अपराधी कितना भी सातिर हो, वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाएगा, वो एक न एक दिन सलाखों के पीछे चला ही जाएगा। ऐसा ही कारनामा मोहन सिंह के हत्यारे के साथ हुआ। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।